ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن عليا مني وأنا من علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو بعض روایات کے مطابق سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کا ماہ میلاد رجب المرجب ہے اس حوالہ سے اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن آج ہم اپنی گفتگو میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر مبارک کریں گے اس کی برکت سے اپنی قسمت کو برکت والا بنائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام بلکہ تمام اہل اللہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا ذکر کرنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ کا مقام شان واضح ہے لیکن دوستان ذی قدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی صحابہ کرام میں شامل ہیں اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کو ایمان کے ساتھ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو اور اسی پر خاتمہ ایمان پر خاتمہ نصیب اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت اس انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد امت کے سارے اولیاء اللہ مل کر بھی صحابی کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ذات کو اللہ تعالی نے جو سعادتیں اور اعزاز بخشے ان میں سے ایک یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ایمانی اور روحانی حاصل رہی
यानी बाकी सहाबा ने ईमान और रूह की तरबियत हुजूर की बारगाह में पाई, लेकिन बाकी सहाबा किराम को रूहानी और ईमानी रसूलुल्लाह की तरबियत हासिल है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अनु को रूहानी और ईमानी तरबियत के अलावा जिस्मानी तरबियत भी रसूलुल्लाह की ज़ात से हासिल है। आपके वालद माजिद जनाब अबू तालिब आपकी औलाद ज्यादा थी तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास को फरमाया कि अबू तालिब की औलाद ज्यादा है और उनकी आमदनी कम है, लिहाजा ऐसा करें कि उनका एक बेटा आप कफालत में ले लें, एक बेटा मैं कफालत में ले लेता हूँ। तो हजरत अब्बास ने जनाब अबी अकील बिन अबी तालब को अपनी तरबियत में ले लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी तरबियत में ले लिया। इस तरह हजरत अली मुर्तजा को ये सआदत हासिल है कि उन्हें जिस्मानी नमुव और तरक्की और तरबियत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में नसीब हुई। हजरत अली मुर्तजा आपका मकाम और मर्तबा कई हवालों से नुमाया है, जैसा कि पहले हजरत सिद्दीक अकबर के जिक्र में आप सुन चुके कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ईमान लाईं, मर्दों में सैयदना सिद्दीक अकबर सबसे पहले ईमान लाए, गुलामों में हजरत जैद इब्ने हारसा सबसे पहले ईमान लाए और बच्चों में सबसे पहले छोटी उम्र के लोगों में सबसे पहले हजूर पर ईमान हजरत अली मुर्तजा को नसीब हुआ। इसलिए आप अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल हैं, यानी इस्लाम पहले इस्लाम लाने वाले लोगों में शामिल हैं। और दोस्तों अस्साबिकून अल अव्वलून मुहाजिरीन जितने हैं, सहाबा जितने हैं, उनको ये शरफ हासिल है कि क़यामत तक जितना इस्लाम फैलेगा उस इस्लाम के फैलने में जितनी भी दुनिया कलमा पढ़ेगी और नेकी करेगी इन लोगों को अपना अमल का सवाब मिलेगा, लेकिन ये सवाब बिलवास्ता अस्साबिकून अल अव्वलून को इसलिए मिलेगा कि वो पहले लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रसूलुल्लाह की दावत को कबूल फरमाया। इसलिए इन लोगों का मकाम बहुत वरा और बरा है, बुलंदो बाला है। और हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने आपकी यूं तो जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, आपका इलम में आला मकाम था, आप इलम में इतने बुलंद पाया थे। हजरत अली मुर्तजा का इलम और फैसला करने में कोई झगड़ा होता उसके बारे में गौर और खौज करके फैसला करने में हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को इतना कमाल हासिल था कि सहाबा किराम में मजबूत फैसला हजरत उमर करते थे और हजरत उमर भी फरमाते हैं कि काना अली अकजाना हम में से सबसे ज्यादा कुव्वत फैसला और बेहतरीन फैसला करने की ताकत जिस इंसान को अल्लाह ने अता की थी वो अली मुर्तजा थी। आप इस बात का वजन इस बात से करें, हजरत उमर फारूक ने अपने जमाने में जो कानून अपनी मुमलिकत में बनाए आज से 1400 साल पहले जो कानून जनाबे उमर ने नाफिज किए आज दुनिया उन्हें मान रही है और अपने मुल्कों में नाफिज कर रही है।
यानी हजरत फारूक आजम की बसीरत कुव्वत फैसला उसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। और हजरत उमर जिस इंसान के बारे में कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा फैसला करने की कुव्वत और बसीरत जिस इंसान को अल्लाह ने अता फरमाई थी, हजरत उमर फरमाते हैं वो इंसान हमारे अंदर मौला अली शेर खुदा थे रदी अल्लाह ताला अनु। चूंकि हजरत अली ने तरबियत रसूलुल्लाह की गोद में पाई थी बिल्कुल बचपन में, आप हजूर के घर में आ गए, सरकार ने ही आपकी तरबियत की, आपको परवान चढ़ाया, इस लिहाज से हजरत अली पर अल्लाह कलीम ने इल्म बसीरत और मारफत के ज्यादा दरवाजे खोले थे। और सहाबाए किराम इसीलिए हजरत उमर के बारे में आपने सुना कि आप में बड़ी कुव्वत फैसला थी, लेकिन आप बाज़ औक़ात बाज़ फैसलों के बारे में परेशान हो जाते कि इस चीज़ का फैसला क्या करूं, तो आप हजरत अली को बुलाते और हजरत अली जब फैसला करते हजरत उमर इतना खुश होते कि हजरत फारूक आजम कहा करते थे लौला उमर, मेरी जिंदगी में बाज़ ऐसे मुश्किल मरहले भी आए, मुझे एहसास हुआ अगर अली ना होते मैं उमर हिला तो हो जाता। इससे आप हजरत अली की अजमत, आपकी बसीरत, आपकी फकाहत और आपके अंदर कुव्वत फैसला जो अल्लाह करीम ने आपको अता फरमाया था। और याद रखें इलम का कमाल, ये बड़ा कमाल होता है, इलम का कमाल इस कदर बड़ा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत का मुत्तकी आलिम आम इबादत गुजार आदमी पर फरमाया मेरी उम्मत का इबादत गुजार आदमी हो तो फजलुल आलिम अला बेद का फदली अला अदनाकुम, मेरी उम्मत का इबादत गुजार आदमी उस पर मेरी उम्मत के आलिम को इतना बुलंद मकाम हासिल है जितना मुझ मोहम्मद मुस्तफा को आम आदमी पर आला मकाम हासिल है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हजूर का मकाम कितना वराउल वरा है। और हजूर समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे आम मुसलमान सहाबी पर मेरा मोहम्मद मुस्तफा का मकाम बुलंद है, ऐसे ही इबादत गुजार मोमिन हो उस पर मेरी उम्मत के आलिम का मकाम इतना बुलंद है जितना मेरा आम आदमी पर मकाम बुलंद है। इससे हुजूर ने एक आलिम बाअमल जो उम्मत मुस्तफ़ा में हो उसका मकाम बयान किया। और हजरत अली ये मुर्तजा के इलम का एतराफ सहाबा किराम करते हैं और फरमाते हैं जब हम मुश्किल में घिर जाते तो हजरत अली को तलब किया जाता। तो बहरहाल मैं अर्ज़े कर रहा हूँ हजरत अली ये मुर्तजा के ज़िंदगी के कई हिस्से हैं, आपकी इलम व फकाहत, आपकी शुजात व बहादुरी, लेकिन आज मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा वो ये है कि हजरत अली मुर्तजा ने रसूलुल्लाह से वफा का हक अदा कर दिया, रसूलुल्लाह ने हजरत अली से वफा का हक अदा कर दिया। अल्लाह या रसूल बिल्कुल इब्तिदाए इस्लाम में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान इस्लाम किया तो कदम कदम पर हुजूर के लिए रुकावटें परेशानियां, इवन के आपने सुना आपका हकीकी चचा अबू लहब भरी महफल में खड़ा होकर बददुआएं देने लगे। वो सिर्फ आपका चचा नहीं था, वो मक्का का सरदार भी था, बहुत बड़ा चौधरी था, उसका बड़ा असर था। इन हालात में अल्लाह करीम ने फरमाया वा अनज़िर आशीरतकल अक्रबीन, ऐ मेरे महबूब अपने करीबी लोगों को पहले डराइए। लिहाजा नबी करीम ने बनू हाशिम के लोगों को बुलाया, अपनी करीबी रिश्तेदार चचाजाद भाई जो बिल्कुल करीब से हुजूर के रिश्तेदार थे, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, ये जो लोग थे बिल्कुल करीब बनू हाशिम के बड़े बड़े लोग, हुजूर ने इन सब को बुलाया और बुलाकर उनके सामने अपनी दावत रखी। फरमाया पहले ही तुम बड़े बाइज्जत खानदान के लोग हो,
कबीला तुम्हारा कुरैश, खानदान तुम्हारा बनी हाशिम, और अल्लाह ने तुम्हारे खानदान को काबा का मुतवल्ली बनाकर बड़ी इज्जतें दी। लेकिन ऐ मेरे खानदान वालों, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है, मैं एक खुदा की बंदगी का पैगाम लाया हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर मेरी दावत कबूल करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में और इजाफे करेगा। हजूर ने अपने खानदान के लोगों को बुलाकर ये दावत दी, लेकिन सारे दम बखुद हो गए हैरत में कि हम क्या करें। अब ना इकरार कर सकते हैं कि नया दीन है, ना इनकार कर सकते हैं कि खानदान का आदमी है। उस महफल में उन्होंने चुप साध ली, और जहां बड़ी बड़ी उम्र के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े चौधरी और नंबरदार टाइप लोग चुप हों, उस मुआशरे में जब महफल पर सन्ना छा गया, उस वक्त हजरत अली मुर्तजा की उम्र मुबारक 9 साल के करीब थी, और आपको आशोबे चश्म की बीमारी बचपन से थी, लिहाजा आप बीमार भी रहते थे। लेकिन उस बिल्कुल छोटी उम्र में और उस कमजोरी ये सेहत के बावजूद जब देखा ना कि सारे बनू हाशिम हजूर की हिमायत से चुप कर गए, तो दूर एक कोने से हजरत अली खड़े हुए और उस बचपन के आलम में अजीब मासूमियत का आलम होगा, कहने लगे या रसूल अल्लाह और कोई साथ दे न दे, अली आपके साथ, मैं आपके साथ। अब वहां ये बात करना बड़ी हैरत की, और उन खानदानों ने मजाक उड़ा दिया, यानी तमस्खुर में हंस पड़े कि छोटा सा बच्चा बरे मक्का में मोहम्मद की हिमायत का ऐलान कर रहा है। हफीज जलंधरी ने हजरत अली के इस जज्बे को अपने अल्फाज का रंग दिया। हफीज जलंधरी कहते हैं कि हजरत अली ने गोया अर्ज की, मैं अपनी जिंदगी भर साथ दूंगा या रसूल अल्लाह, यकीन रखिए के कदमों में रहूंगा या रसूल अल्लाह। अज की या रसूल्ला मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने तमस्कुर में मजाक में इस बात को टाल दिया, एक बच्चे के कहने से क्या होता है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि आज जो उन्हें बच्चा नजर आ रहा है, अल्लाह रसूल के दीन के दिफा में अहद करने के बाद यही इंसान अल्लाह का शेर बन जाए, और ज़बाने नबुव्वत ने अल्लाह का शेर करार देगी। और फिर दुनिया ने देखा गज़वाए बद्र हो, गज़वाए खंदक हो, खैबर हो, मुश्किल से मुश्किल मरहला जो भी आया, वहाँ सबसे ज्यादा कुव्वत और जानदार किरदार मौला अली शेर खुदा ने अदा किया, और हर मुश्किल घड़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बात का फिर पहरा दिया, जिंदगी भर हुजूर के साथ रहे। हजूर की जिंदगी में चंद मुश्किल मकामात आए जिनमें कि हिजरत की रात है, जबकि सारे आले मक्का एक एक घर का फर्द तलवार लेकर हजूर के घरे दरे दौलत का घेरा दे लेता है। ऐसे हाल में हजूर ने मक्का वालों की अमानते मौला अली के हवाले की और फरमाया, मेरे भाई अली, ये मक्का वालों की अमानते देकर तुम हमसे मिलाना। मेरे दोस्तों, इस हाल में जबकि बाहर तलवारों का पैरा हो, रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोना, ये दिले हैदरे करार का ही आलम है। आप डट गए और आप हजूर के उस इरशाद के मुताबिक वे अपनी जान को तली पर रखा और वहां सो गए। इस बात की परवाह नहीं की कि लोगों के हाथों में तलवारें हैं, मेरा अंजाम क्या होगा, बल्कि बाद रवायात में आता है कि आप फरमाते मैं तो बड़े सुकून से सोया। क्यों? फरमाते मैं खुद नहीं सोया था, मुझे रसूलुल्लाह ने सुलाया था, और मुझे मालूम था जब अल्लाह के रसूल मुझे सुला रहे हैं यही अल्लाह का इरशाद होगा, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करने वाला हो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो नूर क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
जब अल्लाह हिफाजत करने वाला हो तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने फिर जिंदगी भर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि हर गजबा में आप देखें ना गजबा में जान की बाजी लगाना होता है और अरबों के अंदर जंग का तरीका ये था कि कोई भी जंग छिड़ती तो सबसे पहले इनफरादी दावत होती। एक पहलवान मध्य मुकाबल ग्रुप से आता मैदान में ललकारता हाल में मुबारजिन है कोई मुझसे पंजा आजमाई करने वाला। तो जंगें ऐसे होती थी सारी जंगों के अंदर रसूलुल्लाह के जमाने में खा बदर हो खा खंदक हो खा हुनैन हो खा खैबर हो कोई भी मौका हो मौला अली बरसरे मैदान उतरते थे और जब काफरों की तरफ से पहली ललकार बुलंद होती थी तो उनकी ललकार का जवाब मौला अली दिया करते थे। बाज मौके पर हजूर ने आपको रोका कि आप ठहरे कोई और मैदान में आए हिकमत के तहत जो हजूर मुनासिब समझते। लेकिन अर्ज ये है कि हजरत अली ने हजूर का साथ दिया और साथ देने का हक अदा कर दिया। फरमाते हैं बदर की रात हम बदर में पहुंचे रमजान का महीना था गर्मी का मौसम था हम थके मांदे थे हम आए तो नींद आ गई। फरमाते हैं हम सो गए लेकिन मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हजूर छप्पर में अकेले हो और कोई काफ हुजूर को तकलीफ पहुंचा जाए। फरमाते हैं कई मरतबा मैं रात को उठकर नबी रहमत के छप्पर के पास सिरादे से गया कि नबी पाक की मैं हिफाजत और पहरा दूं। लेकिन फरमाते हैं लेकिन मैं जब भी गया तो सिद्दीकी अकबर रसूलुल्लाह का पहरा दे रहे थे। लेकिन हजरत अली के दिल में जो दिफा और हिफाजत का मामला था जंगे बदर में भी जब पहले लड़ाई का आगाज हुआ तो आपने ही दो काफरों को फिन्नार किया खंदक के वैसे आप हीरो हैं। इसी तरह आज मेरा वो मौजू नहीं हजरत अली की शुजात का कहना ये चाहता हूँ कि हजूर के साथ जो पैमाने वफा बांधा कि या रसूल अल्लाह मैं आपका हूँ और आपका रहूंगा फिर जिंदगी भर उस पर हजरत अली कायम रहे और किसी भी अंदाज में रसूलुल्लाह की रजा के खिलाफ कोई काम नहीं किया। और आप फरमाते हैं कि सबसे पहले नमाज हजरत खदीजतुल कुबरा और रसूलुल्लाह ने पढ़ी। एक दिन हजूर ने दावा किया इब्तिदान नमाज की ये कैफियत नहीं थी जो आज हमारी है। इब्तिदान बाद ने कहा सिर्फ फजर की नमाज फर्ज और वो भी दो रकातें या बाज ने कहा वैसे हजूर को हुक्म था कि अल्लाह की बंदगी करे। तो हजरत अली चूंकि हजूर के घर में रहते थे फरमाते मैं गया तो हजरत उम्मुल मोमिनीन और हजूर नमाज पढ़ रहे थे मेरे लिए एक अचंभे की बात थी। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं हजूर ने फरमाया मेरे पास अल्लाह का दीन आया है हम उस दीन पर अमल कर रहे हैं और साथ ही फरमाया अली अगर इस बात को तुम कबूल करते हो तो ठीक अगर कबूल नहीं करते ये अल्लाह के रसूल का राज है इसको फाश। लेकिन आप फरमाते हैं कि सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ने का शर्फ मुझे अली को हासिल अल्लाह ने ये इज्जत अगले दिन आपने ईमान भी कबूल किया और हजूर के साथ नमाज भी पढ़ी। तो जो हजरत अली को अवलियत तो एजाज और एजाज हासिल हैं उनमें ये है कि सबसे पहले नबी पाक के साथ मिलकर दीन मुहम्मदी के मुताबिक नमाज हजरत अली ने पढ़ी और वही जो पैमान हजूर से वफाक वो इतना मजबूत पैमान था कि आप उससे पीछे हटने के लिए कोई भी जंग का तो मैं अर्ज कर रहा था गजवात क्या होते जान पेश कर लेकिन हर जंग में आप आगे आगे होते और इसमें हजरत अली इतने मुखलिस थे कि जब गजवाए तबूक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मदीना में अपना नायब बनाया तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने जब आंसू देखे तो फरमाया अली क्यों रो रहे हो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं मर्द मैदान हूँ मैं तो मैदान में उतरा करता हूँ आप मुझे बच्चों और औरतों में मदीने छोड़ कर जा रहे यानी इस बात पर भी आपको अफसोस हुआ हजूर मुझे पीछे क्यों छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आपने उनकी तसल्ली के लिए जो फरमाया वो आगे जाकर मैं करता हूँ। लेकिन अर्ज ये है कि हजरत अली दिलो जान से नबी पाक पर फिदा थे और यूं हजूर पर फना हो चुके थे कि खुदा की कसम मौला अली के लिए रसूलुल्लाह के बगैर और कोई दूसरी चीज का तसव्वुर ही नहीं ऐसा इस पैमाने वफा को पूरा किया और हुजूर पर अपना सब कुछ कुर्बान किया। हत्ता कि जब सुलह हुदैबिया का मौका आया ना 1400 सहाबा के साथ जब हुजूर
6-7 साल बाद उमरा करने के लिए मक्का आने लगे तो मक्का वाले अड़ गए, कहा हम नहीं मक्का आने देंगे, अगर आओगे तो कत्ल व गारत होगी। एक मुआहदा लिखा गया, वो मुआहदा मुसलमानों की तरफ से हजरत अली लिख रहे थे, काफरों की तरफ से सुहेल इब्ने अमर नामी आदमी लिख रहा था। उस वक्त काफिर था, बाद में मुसलमान हो गया, लेकिन उस वक्त अपना मौकफ। तो जब मुआहदा लिखा गया, मुआहदे की मुख्तलिफ शिकें थी, टाइम नहीं मैं वजात करूँ, कई मरतबा सुनते थे। नीचे हजरत अली ने लिखा मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है। जब उसको आगे किया गया दस्तखत करो तो काफर तो जल गए। उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लें तो फिर तो झगड़े ही खत्म, हम तो तुम्हें रसूल मानते नहीं है, लिहाजा मोहम्मद के नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज होगा तो हम वादा भी नहीं करेंगे, हम दस्तखत भी नहीं करेंगे। हजूर ने फरमाया हजरत अली को कि अली मिटा दो, लेकिन हजरत अली के बारे में मैं कह रहा हूँ जो पैमाने वफा हजूर से बांधा उसकी हद है ना। हजूर ने खुद फरमाया मेरे नाम के साथ मोहम्मद रहने दो, रसूलुल्लाह का लफज मिटा दो। हजरत अली ये मुर्तजा रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुझ में हिम्मत नहीं के हजूर के नाम नामी के साथ से रसूलुल्लाह का हरफ अली मिटाए। देखें हुजूर की बारगाह में किस अंदाज में अपनी वारफ्तगी अपनी वफाओं का इजहार है कि या रसूलल्लाह मैं नहीं मिटा सकता, ना मैंने मिटाना है। हुजूर ने फरमाया अच्छा मुझे बताओ, हुजूर ने खुद अपने दस्ते अनवर से वो अल्फाज मिटा दिए, लेकिन मौला अली के ईमान ने गवारा नहीं किया कि जब मेरे कलम से मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नफज निकल गए हैं तो फिर रसूलुल्लाह के अल्फाज कोई मुझसे मिटवा सके। मौला अली ने ये गवारा नहीं किया, गोया हजरत अली ने बता दिया या रसूल अल्लाह मेरी तौहीद भी तुमसे है, ईद दीद भी तुमसे, मेरा ईमान है कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमने तो अल्लाह को भी माना है तो आपकी वजह से माना है, लिहाजा आपकी रिसालत के अल्फाज मैं मिटा दूं, ये नहीं हो सकता। आज बाज लोग नादानी में जो रसूलुल्लाह के नाम नामी का किसी अंदाज में बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं उन्हें सोचना चाहिए मौला अली का अंदाज फिक्र क्या है। हजरत अली मुर्तजा जिंदगी भर हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए वक्फ रहे, अपने आका के दीन को आम करने के लिए। आपको याद है जब खैबर के मकाम पर 3 दिन लड़ाई होती रही तो फतह ना हुई, तो हुजूर ने रात को ऐलान किया कि कल मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिस आदमी के अंदर 3 सिफतें हैं। पहली सिफत ये कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखता है, और दूसरी सिफत ये कि वो सिर्फ मुहिब्बे खुदा मुस्तफ़ा ही नहीं महबूबे खुदा मुस्तफ़ा, अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं। अगर आप गौर करें हम नमाजें पढ़ते हैं, आप सारे लोग मौजूद हैं, हम में से किसी को मालूम नहीं कि हम अल्लाह के प्यारे हैं या नहीं, लेकिन जब हुजूर कह दें कि कल झंडा उस आदमी को मिलेगा जो अल्लाह रसूल का महबूब भी है मुहिब भी है, ये इतनी बड़ी सआदत है ना। सहाबा इसे समझते थे, सहाबा कहते हैं हमारी रात गुजरी हम दुआएं मांगते रहे कि कल झंडा मुझे मिले, हर बंदा दुआ करता रहा। फरमाते हैं बड़ी बेचैनी में हमने सुबह की कि आज झंडा कैसे मिलेगा, और गोया यूं समझ लें कि आज अल्लाह की रजा और अल्लाह की मोहब्बत का हुमा किसके सर पर बैठने वाला है, कौन वो मुकद्दर वाला है जिसे इस दुनिया में महबूबे खुदा मुस्तफा होने का लकब मिल जाएगा। तो हजरत अली मुर्तजा ने अपनी खिदमत अपनी वफादारी ये अदा की तो हुजूर ने भी उन्हें मकाम कुर्ब ये अता किया कि हुजूर ने अपनी जबान नबुव्वत से मौला अली के बारे में ऐसे इरशाद फरमाए जिनसे हजरत अली का बुलंद मकाम जाहिर होता है। सहाबा किराम फरमाते हैं
कि सुबह जब हुई हम बेचैनी में हुजूर की बारगाह में गए और बाद साहबा कहते हैं कि हम ना थोड़ा सा आम साहबा से ऊंचे होकर बैठे कि हुजूर की नजर हम पर पड़ गया। जैसे एक आदमी चौकड़ी मारकर बैठता है उसका कद नीचे होता है और एक आदमी अगर पांव के पंजों के बाल लो। साहबा किराम फरमाते हैं हल दिल धड़क रहा था आज किसे तीन सादतें हासिल होंगी जिसके बारे में अल्लाह का रसूल गिरामी फरमा रहे हैं। पहली सिफत ये इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, वो बंदा है जिसका दिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आबाद है। एक बात, दूसरी बात व युहिब्बुल्लाह व रसूलो, और वो ऐसा बख्त वाला है सिर्फ अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला नहीं अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। दो बातें और तीसरी फरमाया ऐसे बंदे के हाथ में मैं झंडा दूंगा यफ्ताहुल्लाह ताला यदे, कल जब उसके हाथ में झंडा आएगा तो रब फतह के दरवाजे खोल देगा। साहबा फरमाते हैं हुजूर ने हम सब पर नजर दौड़ाई। वैसे ईमान से बताएं और दिल पर हाथ रखकर बताएं उन मुकद्दर वाले लोगों की किस्मत का क्या आलम है जिनके एक एक चेहरे को रसूलुल्लाह ताड़ ताड़ कर देख रहे हैं। मैं कई मरतबा अपने अजीजों को बताता हूँ हम हुजूर ज़ियाउल उम्मत की खिदमत में हाजिर होते बाज़ औकात हजरत साहब बतौर खास हमें देखते मेरा दिल कहता था कि ये देखना फैज से खाली नहीं क्योंकि इन अहलुल्लाह का तो ये आलम है कि जिधर नजर होती है वहां फैज जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने यही तो बात की ना कि जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस पर हुजूर की नजर पड़ जाए उसके बाद सवंदे हो जाते हैं। सहाबे किराम फरमाते हैं हुजूर ने हमारे चेहरों को ताड़ कर देखा तो सवाल किया अना अली इब्न अबी तालिब अली कहाँ है या रसूल अली ये मुर्तजा बीमार हैं उनकी आंखों में दर्द है अपने खैमे में। फरमाया अली को बुलाओ। हजरत अली को बुलाया गया आपने पूछा क्या क्यों भाई अली या रसूल दर्द है आंखों में बड़ा शदीद। हुजूर ने लुआबे दहन आंखों में लगाया हजरत अली फरमाते यूं पता चला जैसे दर्द था ही अल्लाह करीम ने करम फरमा दिया क्योंकि हुजूर की जात में अल्लाह ने बाज लोग कहते हैं कि अंबिया बशर हैं हम भी बशर हैं मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है सारे नबी इंसान हैं सारे नबी बशर हैं लेकिन तेरी मेरी बशरियत से पैदा होने वाली थूक बीमारियां तकसीम करती है मोहम्मद अरबी की थूक शफाएं तकसीम करती है। हुजूर ने हजरत अली की आंख में लुआबे दहन लगाया सिद्दीक अकबर की एड़ी में सांप ने डंग मारा हुजूर ने लुआब लगाया सिद्दीक को हयात मिल गई। हजरत कतादा की आंख यहाँ से निकलकर रुखसार पर लटक आई कतादा ने हाथ हथेली पर रखी हुई है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ करम करें दुआ करें अल्लाह मेरी आंख को। पता चला सहाबा का ईमान था दुआ मुस्तफा करेंगे करम खुदा करेंगे। हुजूर ने फरमाया कतादा सबर करो अल्लाह जन्नत देगा तो सहाबा का ईमान देखे हजरत कतादा कहने या रसूल जन्नत तो आपके सदके मिलनी है और आंख मेरी चली गई तो मैं काना हो जाऊंगा यार सुना मेरी दो बीवियां हैं मैं उन्हें क्या कहूंगा अल्लाह के रास्ते में मेरी आंख चली गई आप करम फरमा दीजिए। हुजूर ने आंख का ढेला पकड़ा यहाँ लगाया अपने लुआबे दहन का सलूशन लगाया। हदीस के अल्फाज हैं हजरत कतादा सहाबी कहते हैं खुदा की कसम ये आंख दूसरे से ज्यादा खूबसूरत भी थी और दूसरी से ज्यादा देखने वाली भी थी। अल्लाह पाक ने हुजूर के लुआब में जो बशरियत का एक तकाजा है हर बंदे का लुआब होता है लेकिन अल्लाह करीम ने हुजूर के लुआब को ये बरकतें अता फरमाई। खारी कुएं में गया तो वो मीठा हो गया जिस नसीब वाले को मिला। हुजूर अगर अपना खंगार भी जमीन पर डालते थे तो सहाबा अपने हाथों पर लेकर हुजूर का लुआब और गहरा पानी जुकाम वगैरह का वो भी सहाबा अपने चेहरे पर मान लिया करते।
ये सहाबा इज्जत करते थे हुजूर की। तो हुजूर ने हजरत अली को लुआबेदान लगाया, ठीक हो गए। हुजूर ने झंडा दिया, वो बात भी पूरी हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मौला अली शेर खुदा ने रसूलुल्लाह से वफा का जो पैमान बांधा उसे पूरा किया, तो रसूलुल्लाह ने भी बता दिया जो हमसे मुआमला करे वो कभी नुकसान में। अली मुर्तजा को क्या मकाम मिला? इस हदीस में रसूलुल्लाह ने हजरत अली को महबूब खुदा और महबूब मुस्तफ़ा बना दिया। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, महबूब अल्लाह के दुनिया में हजारों बंदे होंगे, क्योंकि लफ्ज़े वली उनका एक माना है, महबूब माना बना, वलीउल्लाह का माना अल्लाह का प्यारा। बोलिए, हर वली अल्लाह का प्यारा होता है, लेकिन हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा सिर्फ आम महबूब ही नहीं, बल्कि मेरे करीम ने फरमाया मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी। ऐ लोगों सुन लो, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। जो मेरे वीर अली से मोहब्बत करेगा, जो अली मुर्तजा से मोहब्बत करेगा, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेगा। हुजूर ने ना सिर्फ उन्हें आम महबूब करार दिया, बल्कि फरमाया अली की मोहब्बत और मेरी मोहब्बत एक है। जो हजरत अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। और आपने आगे फरमाया फमन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, और जो मुझ मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करेगा वो खुदा से मोहब्बत करेगा। तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की मोहब्बत को हजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया। इसीलिए तावीदार गोला पीर मेर लिशा साहब फरमाया करते थे, हुब्बे अली है मेरे नबी, मेरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। के रसूलुल्लाह ने हजरत अली की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करा दिया और फरमाया जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। यही वजह है आज अली मुर्तजा से ना सिर्फ नेकोकार और शब जिंदादार मोहब्बत करते हैं, बल्कि गुनाहगार भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं। जितनी मजमूई मोहब्बत हजरत अली से दुनिया करती है उसकी मिसाल आम नहीं मिलती। उसकी पता है वजह क्या है? मेरे करीम ने हजरत अली की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया। हजरत अली को हुजूर ने यमन में भेजा तालीम देने के लिए। जैसा मैं कई मर्तबा आपको बताता हूँ, हुजूर अपने बाद सहाबा को बाज इलाकों में भेजा करते, वहाँ लोगों को दीन की तालीम दें, तरबियत दें, फैसले करें, मामलात करें, हुजूर की नियाबत में दीन को आगे चलाएं। हजरत अली थोड़ा अरसा के लिए गए, चंद लोगों ने हजरत अली की कोई शिकायत हुजूर की बारगाह में पेश की, तो नबी रहमत रसूलुल्लाह की अमल को अल्लाह करीम ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, ये कभी ना सोचना कि मेरा नबी ख्वाहिश नफ्स से बोलता है, मेरा नबी मेरे हुक्म से बोलता है। हजूर की बात को ख्वाहिश नफ्स ना समझना। जब लोगों ने हजरत अली का शिकवा किया तो इस हवाले से नहीं कि हजरत अली चचा जात भाई थे तो हजूर नाराज हो गए कि मेरे चचा जात भाई का गिला हो रहा है। हजूर ने इस कदर इस बात को महसूस किया कि हजूर ने एक जंगल में एक मिंबर बनवाया, ऊंची जगह बनवाई, लोगों को जमा किया, और आप आखिरी हज से फारग होकर आ रहे थे। लोगों को जमा करके पहला सवाल किया, अलस्तु औला मिनकुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगों बताओ क्या मैं मोहम्मद करीम तुम्हारी जानों से तुम्हें ज्यादा महबूब नहीं? याद रखें, इंसान को बहुत सी चीजों से मोहब्बत है, लेकिन खुदा का कुरान कहता है मोमिन है ही वो ही जो जान से भी बढ़कर प्यार खुदा के यार से करता है, वो मोमिन है। अगर इतना प्यार नहीं कि अपनी जान, हजरत उमर ने किया था, या रसूलल्लाह आप मुझे मेरे रिश्तेदारों से महबूब हैं, मेरे माँ बाप से मुझे महबूब है, लेकिन या रसूलल्लाह मेरी जान तो मुझे प्यारी है। आपने फरमाया ला उमर, उमर बात नहीं बनेगी। हजरत उमर ने सोचा जान की क्या हैसियत है, ये मुस्तफा पर कुर्बान है, हजूर के सदके हमारी जान को इज्जतें मिली। जब ये बात समझ आ गई ना, अज के या रसूलल्लाह आप तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अब महबूब हैं,
आपने फरमाया अल आन या उमर, उमर अब बात बनी। इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ने देखा अल आन कद कमला ईमान का या उमर, इसका माना है ए उमर अब तेरा ईमान दर्जा कमाल को पहुंचा। तो जब एक बंदा है मोमिन अपनी जान से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है फिर मोमिन कामिल कहलाता है, अगर ऐसा नहीं तो वो मोमिन नहीं। लेकिन हजूर ने सहाबा से यही सवाल फरमाया अलस्तु औला मिनकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों से तुम्हें ज्यादा महबूब नहीं। कालू बला या रसूल अल्लाह, सबने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आप हमें हमारी जानों से भी ज्यादा महबूब हैं, आप हमारी जानों से भी ज्यादा महबूब हैं। और सहाबा ने ये जबानी बात नहीं की बल्कि दिलो जान से ये बात की कि हजूर हमें जानों से भी ज्यादा महबूब। तो जब आपने ये इकरार करवा लिया तो आपने फरमाया फिर सुन लो मन कुन तो मौला हो फाहलीयुन मौला हो, जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली भी महबूब है। यहाँ बाज लोग तर्जमा करते हैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला, लिहाजा अली खलीफा बिला फसल है। मैंने कहा क्या मौला का माना खलीफा है, तो माना बना जिसका मैं खलीफा उसका अली खलीफा। रसूलुल्लाह हमारे खलीफा हैं या हम उनकी उम्मत हैं? नबी तो अल्लाह का खलीफा होता है, ये माना बनता ही कोई नहीं जो यार लोगों ने आज हमारे जाहिलों ने हमारे सुन्नी जाहिल भी बात इस चीज को बड़ा प्रमोट करते हैं और शिया भी इससे खिलाफत बिला फसल का इस्तेदलाल करते हैं, जिसके लिए कुरान और हदीस या लुगत अरब में कोई दलील मौजूद नहीं। बस सीना जोरी है, मौला का माना है महबूब, मौला का माना प्यारा, मौला का माना गहरा दोस्त, मौला का माना जानी यार, जो करें ये माना है। मौला का माना सरपरस्त भी होता है, मौला का माना आका भी होता है, वो सारे माने, लेकिन मौला का माना खलीफा बिला फसल किसी लुगत में कोई माना नहीं। ये बात मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे बात सुन्नी भोले भाले जहालत की वजह से इस बात के कायल हो जाते हैं। बहरहाल हुजूर ने फरमाया जिसका मैं महबूब हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला है वो अली से भी मोहब्बत करे। दोस्ताने गिरामी कदर गोया हुजूर ने बता दिया, जिस गोया हुजूर की मोहब्बत ईमान की दलील है। बोलिए हुजूर की मोहब्बत और हजरत अली की मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया, गोया बता दिया जो अली के मुर्तजा से मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, जो बुग्ज करेगा वो मुनाफिक होगा। ये हदीस जहां तक नहीं है, हुजूर ने जब ये फरमाया हर सहाबी का दिल मौला अली की मोहब्बत में तड़पने लगा मचलने लगा। हजरत उमर अगले दिन हजरत अली से मिले, जब मुलाकात हुई हजरत उमर ने खुशी में मुबारक दी, फरमाया हनी अल्लाह का यबना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो, असबाहता मौला कुल्ले मुमिनिम व मुमिना, तुम हर ईमानदार मर्द और औरत के मौला और महबूब बन गए हो। जो ईमानदार है तो मुझके महबूब हो, खा वो मर्द है या औरत है। कितना बड़ा एतराफ है, इससे एक बात साबित हुई सहाबा के दिल मौला अली की मोहब्बत से खुश होते थे, हजरत अली की शान सुनकर खुश होते थे। और दूसरी बात ये कि हजरत अली को इस एजाज पर मुबारक हजरत उमर फारूक ने दी। यही वजह है मैं अर्ज कर रहा था हजरत मौला अली को महबूबियत का सिर्फ ये मकाम हासिल नहीं कि हजरत अली अल्लाह रसूल के महबूब हैं, एक तो हुजूर ने मौला अली की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहा और दूसरी चीज के रसूलुल्लाह ने ईमान की अलामत अली की मोहब्बत कहा। जो हजरत अली से मोहब्बत ना करे बहुत शब्द जिंदादार हो इबादत गुजार हो नेकोकार हो, अगर दिल में हजरत अली के लिए जरा बराबर मैल है तो वो मोमिन। और मैं ये बात अपने पास से नहीं कर रहा, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला ये हजूर के बड़े मारूफ साहबी हैं और बड़े शान वाले साहबी, वो फरमाते हैं लोगो कुन्ना नारिफुल मोमिना बिहुब्बे अली,
والمنافق ببغض علی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو ہمارا صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ہم اگر مومن یا منافق کی پہچان کرنا چاہتے تو ہم حضرت علی کا نام لیتے، جس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہم اسے مومن سمجھتے، اور جس کے چہرے پر مچھر آ جاتا ہم صحابہ اسے منافق سمجھتے تھے. حضرت ابو سعید خدری نے گورا گویا بتایا کہ حضرت علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے اور حضرت علی سے بغض منافقت کی دلیل ہے. اسی لیے اعظم چشتی نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. اعظم ہمارے پاس یہ ہے مغفرت کی سند، ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی. حضرت علی کی محبت ایمان ہے، باعث نجات ہے. کبھی بھی بے دھیانی میں بھی مولا علی کے بارے میں دل میں میل نہیں آنی چاہیے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے. اس لیے آپ کو حضور کی بارگاہ سے یہ مقام وفا کا اجر یہ ملا کہ آپ نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت ہی نہیں کہا، ایمان کی نشانی کہا. اس لیے ہمیں غلو سے بچنا چاہیے، نہ حضرت علی کو بڑھا کر نبیوں سے ملائیں، نہ حضرت علی کے بارے میں دل میں نفرت رکھیں، بلکہ وہی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے کہ حضرت علی کو اللہ نے صحابہ کرام میں ایک نمایاں مقام عطا فرمایا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کے محبوب بھی ہیں، اہل ایمان کے بھی محبوب ہیں. دعا کریں فتنے کے دور میں اللہ افراط و تفریط اور غلط نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.